हे गाइस, हमारे चैनल का बस एक ही मोटिव है, टू बी टुगेदर, टू लर्न टुगेदर एंड टू ग्रो टुगेदर। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसे साइंस जिस वजह से आप YouTube पर पॉपुलर हो सकते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। YouTube पर पॉपुलर होना तो कोई आसान बात है नहीं। ये तीन साइंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप अपने आप में पाते हो तो डेफिनेटली आप एक दिन जाकर पॉपुलर बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, ये तीन साइंस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो दो कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में। ये जो कैरेक्टर्स है, ये दोनों एम्प्लॉयज है कंपनीज के। एक जो एम्प्लॉय है वो पूरा दिन आराम करते रहता है, वो हमेशा बहाने ढूंढते रहता है वर्क फ्रॉम होम करने का, और वर्क फ्रॉम होम के बहाने वो कुछ काम नहीं करता। वो हमेशा मौके ढूंढता है अपने काम को बस कैसे तैसे निपटाने का, और क्लाइंट को वो वैल्यू ही नहीं दे पाता जो एक्चुअल में वैल्यू क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो हमेशा आलस से भरपूर ही रहता था। वो हमेशा सिर्फ सोचते रहता था, ख्वाबों में रहता था कि मैं कब इस कंपनी का CEO बनूंगा, कब मैं इस कंपनी को हैंडल करूंगा और वो उस लेवल पर लेके जाऊंगा और आगे लेके जाऊंगा इस कंपनी को। उसने कभी प्लान ही नहीं किया कि मैं कैसे बनूंगा वो CEO। बस वो हमेशा सोचते रहता था और भगवान से विश करते रहता था कि मैं इस कंपनी का CEO बन जाऊं। और दूसरा जो एम्प्लॉय था कंपनी का, वो बहुत ही मेहनती था। वो हमेशा टाइम की कीमत करता था। वो हमेशा 4 दिन का काम 2 दिन में निपटाने की सोचता था। वो हमेशा स्मार्ट वर्क करने की सोचता था, ना कि हार्ड वर्क करने की सोचता था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी उसमें ये थी कि वो टाइम को जिस तरह से यूटिलाइज करता था, उसी में वो क्लाइंट को वो क्वालिटी भी दे पाता था। क्लाइंट को जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी पूरी कर पाता था और सब रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहा था। और ये एम्प्लॉय कुछ ही सालों में मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गया और फिर डायरेक्टर और इस कंपनी का CEO बन गया इन क्वालिटीज की वजह से। और जो पहला जो एम्प्लॉय था जो आलस से भरपूर था, वो अभी तक बस यही सोच रहा है और यही प्रे कर रहा है भगवान से कि मैं कब इस कंपनी का CEO बन जाओ। तो दोस्तों, अब हम इस स्टोरी को यूट्यूब चैनल से रिलेट करेंगे और वो तीन साइंस ढूंढेंगे जिस वजह से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉपुलर हो सकते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो पहली जो साइन थी वो थी कि जो सेकेंड एम्प्लॉय था वो हमेशा टाइम की कदर करता था। हमेशा ये देखता था कि 4 दिन का काम मैं 2 दिन में कैसे करूं। तो आपको भी बस यही चीज़ करनी है। अगर आप महीने में 5 वीडियोस बनाते हो तो आपको टारगेट करना है और प्लान करना है कि आप नेक्स्ट महीने में 5 की जगह 10 वीडियोस कैसे बनाएं। आपको हमेशा अपना वर्क डबल कैसे करना है उस पर ध्यान देना है और टाइम की कदर करनी है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे और आलस से भरपूर बैठे रहोगे तो नहीं ग्रो कर पाओगे। आपको हमेशा हर मिनट की कीमत जाननी है और उसे यूटिलाइज करना है, तब भी जाकर आप यूट्यूब पर ग्रो कर पाओगे। सेकेंड जो साइन है और जो क्वालिटी है जो सेकेंड एम्प्लॉय से हमें दिखती है, वो है कि वो हमेशा कंसिस्टेंट था। वो हमेशा मेहनत करता रहता था टाइम के साथ। अगर हम भी इसी तरह मेहनत करते रहे, हमारी जो पुरानी वीडियोस है उससे सीखते रहे और नई वीडियोस में वो मिस्टेक्स ना दोहराए और कंटिन्यूसली वीडियोस बनाते रहे, कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते रहे, तो डेफिनेटली हम इस यूट्यूब चैनल पर ग्रो कर सकते हैं। थर्ड जो साइन है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो सेकेंड जो एम्प्लॉय था वो हमेशा अपने क्लाइंट को वो वैल्यू दे पाता था। वो हर चीज़ दे पाता था, वो सेटिस्फाई कर पाता था उस क्लाइंट को, और इस वजह से वो एम्प्लॉय ग्रो करते गया। तो हमें भी हमारे व्यूअर्स ही हमारे क्लाइंट है, तो हमें भी हमारे व्यूअर्स को वो सेटिस्फैक्शन देना है। वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे व्यूअर्स को, हमें वो उन तक पहुंचाना है, तब भी जाकर हम यूट्यूब पर ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी तीन साइंस जो अगर आप अपने आप में पाते हो तो डेफिनेटली आप अपने चैनल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो और यूट्यूब पर इजीली पॉपुलर हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।